ले भाई, ये तुम लोग यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करते रहो और वो अगला जय शाह जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहे हैं भाई। खतरनाक किस्म की खबर आ रही है, मतलब मेरे समेत पूरा पाकिस्तान इस टाइम पर एकदम हिला हुआ है। वैसे बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कॉमेंट करते हैं कि भाई तू इंडिया से ही लगता है क्योंकि तेरी जबान जो है वो थोड़ी इंडिया वाली है। तो जबान नहीं, जबान है। और मैं आपसे ये मुखातिब होना चाहता हूँ कि मुझे प्रॉपर जो है पूरी तरीके से बिल्कुल सलीके से उर्दू बोलनी आती है, उर्दू जबान की तजवीज़ करनी आती है, मगर उन लोगों को ये बात को अंदेशा शायद नहीं है कि भाई मैं जो हूँ इस टाइम कराची में बैठा हूं। लेकिन क्या करे भाई, अपने मुंबई का शाना जो है ना वो अपने अंदर हमेशा से घुसा रहता है। तो भाई तजा को सबसे पहले तो ये बता दूं, जय शाह साहब जो है वो चेयरमैन बनने वाले हैं और बहुत हिलाने वाले दुनिया को। काहे को मैं देखो डिटेल में चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके तो खतरे की बात आ रही है, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि तुम लोगों को मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। हुआ कुछ यूं कि आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपना वो कहते हैं ना वोटिंग कार्ड अपना दे दिया जय शाह को कि भाई हमारी तरफ से तो चेयरमैन यही है। और समझ रहे हो बात को, बंदे ने 2019 से लेकर 2024 तक प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई का ओहदा निभाया। 5 साल तक बंदा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रहा है, मामूली बात नहीं है। और जो इसने काम किए भाई, सबसे पहले तो इसने जो वुमेन्स क्रिकेट के लिए काम किया, देखो वुमेन्स क्रिकेट वुमेन्स आईपीएल जो है वो ये लेकर आया है। वुमेन्स क्रिकेटर और मेंस क्रिकेट की जो सैलरीज हैं उसके अंदर कंपैरिजन, ये जो खत्म मतलब कंपैरिजन होता था कि भाई वुमेन्स की कम है मेंस की ज्यादा, उसको खत्म इसने किया। मैच फीस वुमेन्स और मेंस की इसने खत्म की। तो जय शाह साहब ने ऑलरेडी क्रिकेट में इतने अच्छे अच्छे काम किए कि पूरी दुनिया में कोई इसको डिनाई कर ही नहीं सकता कि भाई जय शाह को चेयरमैन ना बनाओ। किसी के पास कोई औकात ही नहीं है बोलने की कि जय शाह को चेयरमैन, क्योंकि हर तरीके से उस बंदे ने अपनी पूरी एफर्ट की है। क्रिकेट के बारे में लोग कहते हैं कि शायद जय शाह को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जय शाह को जितनी नॉलेज है उतनी किसी क्रिकेट के चेयरमैन को भी नहीं होती है। जैसे वो बंदा अपने क्रिकेट को लेकर चला है, जैसे उसने इंडियन क्रिकेटर को यहां से यहां पर पहुंचा दिया, हालांकि वो पहले भी यहां थे लेकिन उसको और नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गया। और उसकी जो प्रेसिडेंटशिप में जो है यहां पर इंडिया ने एक T20 का वर्ल्ड कप भी जीता, एक एशिया कप भी जीता, तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि बंदे ने मेहनत की है, पूरी क्रिकेट को तब्दील कर दिया है उसने और दुनिया में उसने अपनी इज्जत बनाई है। आज की खबर यह है कि भाई जय शाह को अब चेयरमैन बनाने के लिए जो इंग्लैंड ने है वो भी अपना वोटिंग कार्ड दे दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी दे दिया। और ये क्रिकेट के सबसे बड़े नेशंस हैं, इनसे बड़ा कोई नेशन है ही नहीं, इनसे बड़ा मैं गारंटी से कहता हूं दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हो सकता। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इनको कोई घास भी नहीं डालता है भाई। असल में जो क्रिकेट में चलती है वो इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की चलती है। ये तीनों इस टाइम पर दुनिया में जो है राज करने के लिए पैदा हुए और ये राज कर ही ने। अब खुद सोचो जिस चेयरमैन को यहाँ पर इंडिया ने मुखातिब किया अपनी तरफ से कि भाई हमारी तरफ से ये चेयरमैन होने वाला है, इंडिया का तो समझो वोट आ गया उसके अंदर। अब यहाँ पर जो इंग्लैंड का वोट है वो भी इनको मिल गया और ऑस्ट्रेलिया का वोट है वो भी इनको मिल गया। और अब बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं सब लोग मजबूर हो गए कि भाई अपने को तो बस चेयरमैन बनाना है, तो जय शाह को बनाना है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 2 महीने हैं क्योंकि अगला मंथ सेप्टेम्बर है फिर अक्टूबर है, तो 2 महीने के बाद आपको जय शाह साहब 100% गारंटीड चेयरमैन देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि भाई अपन जो है इसको वोट नहीं देंगे, अपन कोशिश करेंगे कोई और ही आ जाए, कोई और चेयरमैन बन जाए, इस तरीके से मजा आएगा देखने में, देखते हैं कि जय शाह कैसे चेयरमैन बनते। तो भाई देख लेना, वो बंदा चेयरमैनशिप के लिए अपने नाम भी दिया और 2 मुल्कों की तरफ से अप्रूवल भी आ गया। और सिर्फ 2 की तरफ से नहीं आएगा भाई, बांग्लादेश वाले उसके पीछे जाएंगे, उसके पीछे अफगानिस्तान जाएगा, उसके पीछे इंग्लैंड अपना साउथ अफ्रीका जाएगा और वेस्ट इंडीज भी जाएगा। तो जब पूरी दुनिया की वोटिंग जो है वो जय शाह के लिए जा रही है, तो किसी पाकिस्तानी का बनने का ख्वाब ही मतलब सवाल ही पैदा नहीं। हाँ, पाकिस्तान का जहां पर दाल गल रही है वहां पर पाकिस्तान अपनी दाल बनाएगा। सुनने में यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कोई चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, तो आईसीसी के चेयरमैन होंगे मोहसिन नकवी और सॉरी अपना एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होंगे मोहसिन नकवी और आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होंगे मोहसिन अपना अपने जय शाह साहब। तो वहां से जो है फैसला होने असल चैंपियंस ट्रॉफी का कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकती है नहीं हो सकती, बिकॉज एट द एंड सिग्नेचर जो है ना वो जय शाह के ही चलेंगे, किसी और के सिग्नेचर चल ही नहीं सकते। अगर यहां पर पाकिस्तान में अप्रूवल की पर्ची जाती है या पाकिस्तान की पर्ची जाती है तो वहां पर जो है वो जय शाह साहब जो है वही अप्रूव कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी। तो ये पाकिस्तानी जितने लोग ख्वाब देख रहे थे कि भाई अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अब तो होना तय है ये है। अब जो देखो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो ना हो ये एक डिफरेंट टॉपिक का, हो सकता है मुझे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि जय शाह चेयरमैन बन जाए फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाएगा। लेकिन
इंडियन गवर्नमेंट इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देगी हिंदुस्तान टीम को कि आप लोग पाकिस्तान में जाकर उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट को सपोर्ट कीजिए, आप वहां पर जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलिए। और पाकिस्तान को जो एक और सबसे बड़ा मसला आने वाला है वो आने वाला है फाइनेंशियल। जय शाह पाकिस्तान को इतना खुला पैसा कभी भी नहीं देगा जिस तरीके से पाकिस्तान ने अभी कोई 1200-1300 करोड़ रुपए आईसीसी से लिया कि भाई हमने जो अपने स्टेडियम को रिपेयर करवाना है, हमने थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाना है, हमको कुछ पैसा चाहिए, तो भैया जी हाथ जोड़ते हैं पैसा वैसा हमको दे दीजिए। तो वहां पर जो है पाकिस्तान को पैसे मिल गए, 1300 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल गए और पाकिस्तान जो क्रिकेट पे लगा रहा है, अपने स्टेडियम बना रहे, ये कर रहे हैं, हालांकि मुश्किल से 100-150 करोड़ रुपए काम में लगाएगा, बाकी के सारे जेब में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ चलता रहता है। तो आईसीसी से जितना पैसा निकाल सकता है 2 महीने में भीख वीख मांगो, पांव पड़ो उनके, उनको बाप बनाओ, उनको माँ बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन आईसीसी से पैसा निकाल लो। बिकॉज अगर जय शाह आ गया, जय शाह फिर हर चीज की पर्ची मांगेगा कि अच्छा आज 20 रुपए की सब्जी आई है, काम कर पर्ची ला के दिखा, उसके स्लिप ला के दिखा। वो नायक फिल्म में होता है अनिल कपूर कर रहा होता है, वही काम जय शाह ने करना है कि पाकिस्तान जो भी काम करवा रहा है मजदूरों की तनख्वाहों तक की स्लिप मांगेगा और बोलेगा तुम लोग को सालों हराम का एक पैसा नहीं खाने दूंगा, मैं तुम लोग को बताऊंगा कि हलाल किस तरह खाया जाता है, तुम लोग को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ईमानदारी से चला जाता है। बिकॉज अभी तो पाकिस्तान टोपे ड्रामे कर सकता है कि हमें जो है पैसा चाहिए, ये करना है हमने, हमने बड़े बड़े स्टेडियम बनवाने हैं, हमने ये करना है वो करना है, लेकिन जब जय शाह आएगा, जय शाह सिर्फ ये नहीं है कि जय शाह पैसा नहीं देगा, ये बात बेफिक्र रहो, लेकिन जय शाह उतना ही पैसा देगा जितना भाई पाकिस्तान को लगते हुए दिखाना है कि हम यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, हमें उतना पैसा चाहिए। हाँ, अगर मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान अगर यहाँ पर 2000 करोड़ भी लगा देता है अपने स्टेडियम के ऊपर तो वो 2000 करोड़ भी जय शाह दे देगा, लेकिन बशर्ते कि वो 2000 करोड़ जो है वो लगता हुआ नजर आना चाहिए। वरना आप लोग जानते कि भाई पाकिस्तान में आपको ऐसी चीजें देखने को बहुत ही कम मिलती हैं कि कोई पैसा वाकई में लग रहा हो, कोई पैसा किसी जगह पर इन्वेस्ट हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जो है करप्शन बहुत ही ज्यादा है। और स्टेडियम बनाए आप लोग, स्टैंड्स बनाए आप लोग, ग्राउंड्स बनाए आप लोग, पिचेस बनाए, जो मर्जी बनाए, लेकिन पैसा जो है अब आपको बहुत कम मिलने वाला है। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी बड़ी खबर यह है कि क्या जितने पैसे जय शाह देंगे क्या उतने पैसे में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी अफोर्ड करवा पाएगा। बिकॉज अगर आईसीसी के चेयरमैन है, डेफिनेटली बात है जय शाह को पाकिस्तान आना पड़ेगा, खुद ही सेमीफाइनल हो, फाइनल हो या फिर ओपनिंग सेरेमनी हो, जय शाह को पाकिस्तान आना पड़ेगा ओपनिंग सेरेमनी के लिए, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि जब भी आईसीसी की कोई इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट होता है आईसीसी के चेयरमैन वहां पर मौजूद होते हैं, आईसीसी के प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद होते हैं। और जय शाह साहब जो है वो पाकिस्तान अगर आ गए तो फिर यहां पर आके वो हालात देखेंगे और फिर आएगा असल मजा, फिर फैसला होगा कि भाई क्या होना है आगे, क्योंकि अब तक सिर्फ चीजें जय शाह के हाथ में थी, लेकिन जय शाह साहब जो है वो अब प्रेसिडेंट के ओहदे से, आप कह लो एक तरीके से अपना ओहदा, अपना टाइम पीरियड है वो खत्म करके जा रहे हैं। और अब जो भी नया आएगा बीसीसीआई का चेयरमैन या बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, जो भी नया, अभी तो रॉजर बिनी है ना मेरे ख्याल से चेयरमैन, जो प्रेसिडेंट नया आएगा जय शाह की जगह पर, उसके हमें तलवे चाटने पड़ेंगे, उसको मनाना पड़ेगा कि भाई तू मेहनत कर ले, भाई खुदा का वास्ता कुछ हमारे ऊपर जो है थोड़ा रहम वहम कर ले और पाकिस्तान में ले अपनी टीम को, पाकिस्तान में आ जाओ। भाई ये मामला जो है वो दाल जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बनने जा रही है, यकीन करो इससे ज्यादा मैंने कोई टोपी ड्रामा नहीं देखा अपनी जिंदगी में किसी भी टूर्नामेंट को लेकर। कोई भी टूर्नामेंट होता था 6 महीने पहले 7 महीने पहले साल पहले भी हमने स्कॉर अपना शेड्यूल अनाउंस होते हुए देखे हैं, शेड्यूल साल पहले अनाउंस होता था, लेकिन ये वाहिद टूर्नामेंट है जिसके शुरू होने में शायद कोई 5 महीने रह गए और अब तक इसका शेड्यूल का कोई अता पता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। खैर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में या नहीं होगी, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।